नमस्कार सभी भाई, जैसे आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्मिंग विनोद गिरी और मैं विनोद गिरी मेरठ से। जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है कि कोई भी पशु मंडी नहीं लग रही है और हमारे चैनल पर कोई पशु मंडी की वीडियो नहीं आ रही है। और जैसे बहुत दिन पहले एक सोनू भाई की वीडियो आई थी, सोनू डेयरी जो कि मेरठ में है, अच्छा व्यापार का काम है। आज हम उनके घर पर पहुंचे, भाई ने बुलाया और इनकी भैंसों को दिखाएंगे। जैसे ही पशु मंडी लगती है तो हमारे चैनल पे पशु मंडी की वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। हमारा ही ऐसा चैनल है जिसपे पशु मंडी की वीडियो आती है और मालिकों के नंबर आते हैं। सभी भाई वीडियो को अंत तक देखें, बहुत अच्छी अच्छी भैंसें दिखाएंगे। और जो भी भाई चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और शेयर करें, कमेंट में बताएं हमें वीडियो कैसी लगी। और ये अब हम पहुंच चुके हैं सोनू भाई की डेयरी में, जो सोनू भाई की डेयरी पड़ती है मेरठ में भोला रोड पर। और भाई का बहुत ही अच्छा काम है व्यापार का, ये एक से एक अच्छी शानदार भैंसे बेचते हैं और पशु मंडियों में भी ये इनकी बिक्री मिलेगी, ये पशु मंडियों में बेचते हैं। देखेगा इस सामने एक गाय बंदरिया भाई की, ये बिक्री के लिए उपलब्ध है। और अभी सभी की बातें करेंगे। ये धूप की वजह से तिरपाल डाली हुई है कुछ, ये सामने भैंस खड़ी है। देखिएगा पहले भाई की पूरी डेयरी दिखा देता हूँ, ये खुले में बंधने की इनके यहाँ व्यवस्था है। और ये इधर कुछ सामने दो गायें बंध रही है, इधर ये कुछ बाकड़ी भैंसे हैं, भाई से बात कर लेना, इनमें भी कुछ बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी, कुछ ज्ञापन होंगी, जैसे भी होगा। ये इनके बच्चे हैं, कैटेगरी है, जिस भाई को बाकड़ी भैंसे लेनी हो इनसे इन भैंसों में से ले सकता है। और अभी ताजी ब्याई भैंसों को भी दिखाते हैं। अभी इस समय अभी हम जब वीडियो कवर कर रहे हैं इस टाइम 11:15 बजे हैं, पौने ग्यारह बजे का टाइम है। कोई भाई के भैंसों में जोश नहीं है, जो दूध का टाइम बनता है और जो भी भाई भैंस लेना चाहे दो टाइम दूध की तसल्ली करे, जब आके ले उस चीज में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी संतुष्टि करे, पूरी संतुष्टि होने के बाद ही भैंसे खरीदे। ये सामने ताजी भाई अच्छे अच्छे साइज की भैंस खड़ी है, देखिएगा ये इन भैंसों के बच्चे हैं, अभी बुलाते हैं। ये एक मिनी भैंस है, एक अच्छी जोटी है, एक बड़े कदकाठी की भैंस है, अभी बुलाते हैं सोनू भाई को। अभी यहाँ पे सोनू भाई नहीं है और सोनू भाई के जो बड़े भाई हैं संजीव भाई, वो भी नहीं है, उनका बेटा है तुषार, उससे कुछ जानकारी करते हैं। तुषार इस वाली भैंस के पता ना क्या हो, इस भैंस में दूध है 12 किलो, अभी इस भैंस में दूध है 12 किलो। कौन इसे पता, ये वाली कौन सी भैंस में, कौन सी पर ब्याई हुई है, ये तीसरे ब्याई हुई है। और इसका बच्चा कौन सा है, इसका बच्चा ये वाला है, 5 दिन की ब्याई है। कौन सा हाथ लगा, ये वाला, ये इस भैंस का बच्चा है, 5 दिन की ब्याई हुई है। और ये कौन सा का बच्चा, ये तो ये दूसरा बच्चा इस झोटी का है, देखेगा बिल्कुल बिल्कुल छोटे सिंह वाली झोटी है, बिल्कुल रानी झोटी है। इसमें 12 लीटर चीज है, इसमें 12 लीटर चीज है, 12 लीटर तैयार है। और इसकी कीमत झोटी की, झोटी की कीमत 1.10, इस झोटी की कीमत 1.10 है। अच्छा कुछ कम बढ़ती है, कम तो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कितने कम हो जाएंगे, हो जाएंगे 5-6 हजार रुपये कम, 5-6 हजार। और कुछ पापा के आने पर पता लगेगा। एक ये सामने मिनी झोटी खड़ी है, तो सर ये मिनी झोटी कितने दिन की ब्याई हुई है, मिनी ब्याई हुई है 10 दिन की, 10 दिन की। इसका बच्चा दिखाओ, इसका बच्चे वाला है, ये क्या है नीचे बच्चा, इसके नीचे कटड़ा है, कटड़ा है। और 10 दिन ब्याई को रहे, 14 किलो कहने का है, पक्का पक्का है, 14 किलो पक्का है, 14 किलो। और ब्याज कौन सा इसका, अच्छा तो सर भाई जमीनी चोटी को खोल के दिखाओगे, एक बार खोल के चलाओ, देखेगा कद काटी बहुत अच्छा है चोटी का, सारी भैंस ही फुल साइज में भैंस है और भैंस का शरीर भी बहुत ही अच्छा है,
ऑर्डर क्वालिटी बहुत अच्छी, थनों का गैप इस समय 11:45 का टाइम है और भैंस में जोश भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जो थनों में फासला है बहुत ही अच्छे वाला है, एक एक ब्लान का फासला है थनों में, शाम के टाइम दूध के टाइम बहुत गैप हो जाएगा थनों में देखेगा। और ये वाली दूसरी जोटी खोलियो, ये वाली भैंस खोलो, देखेगा भैंस की ऑर्डर क्वालिटी बहुत बढ़िया, बिल्कुल जोशीला ऑर्डर है, एक से एक शानदार भैंसे हैं। तुषार भाई के यहाँ, सोनू भाई के यहाँ, बिल्कुल थनों का गैप बहुत ही अच्छा, डेड क्वालिटी बिल्कुल फर्स्ट वाली, और चेहरा मोहरा बहुत अच्छा है, रिंग सिंग है चेहरा मोहरे से बहुत ही अच्छी है भैंस, पूरी धूप हो रही है। अभी इसकी भी बात करते हैं भाई, कितना दूध है इसमें, दूध इसमें 12 लीटर है। कितना दूध है? 12 लीटर। 12 लीटर बिल्कुल पक्का? और कितने दिन की बेबी हो रही है? 4 दिन की। ये इसका बच्चा है? क्या है बच्चा? नीचे कटिया है, नीचे कटिया। 4 दिन की। और तो थन कैसे हैं? धोने की कैसी है दवाई की? बढ़िया है बिल्कुल। और ब्याह कौन सा इसका? तीसरा। इसका भी तीसरा ब्याह है। और ये अगली जो जोटी है ये वाली बिल्कुल रिंग सिंगदार, ये दूसरे ब्याह में देखेगा जोटी का कितना अच्छा साइज है, और ब्याह दूसरा बता रहा है भाई। भाई का एक अच्छा खासा व्यापार का काम है, 10-12 भैंसे इनके पास हर समय मिलती है, बिल्कुल रिंग सिंगदार है और जोशी लाडर। कोई भी भाई स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकता है और इनके यहाँ डेयरी फार्म में आके अपनी संतुष्टि करके भैंसों को खरीदे, जब पूरी संतुष्टि हो भैंस को जब भी खरीदे। और अगर जैसे कोई भाई बदला करना चाहे, जैसे किसी के पास बाकड़ी भैंसे हैं, तो ये भाई उस काम को भी कर लेते हैं, बाकड़ी ले लेते हैं उसकी कीमत लगा के और ताजी भैंस दे देते हैं। देखेगा फुल साइज की भैंस है जो तुषार भाई खोल रहा है, भैंस का साइज बहुत अच्छा है, बहुत बड़े साइज की भैंस है और शरीर की बनावट के बारे में कह नहीं सकते, बिल्कुल देखेगा कितना जबरदस्त शरीर का, धूप बहुत तेज हो रही है, भैंस रुक नहीं रही, रुकने बिल्कुल रिंग सिंग है चेहरे मोहरे से बहुत अच्छी भैंस है और शरीर की बनावट बहुत बढ़िया। ऑर्डर देखेगा कितने लंबे ऑर्डर है, जो एक अच्छी दूध वाली भैंस को चाहिए और लंबी पहुंच धरती में घिजरवा पहुंच है। तो सर भाई से इसकी भी जानकारी करते हैं, तो सर ये वाली जोटी कौन से ब्यांत में है? ये वाली लास्ट में, दूसरे में। और इसमें दूध कितना? दूध इसमें 15 लीटर है। 15 लीटर। और कितने दिन की बेबी हो रही? 8 दिन की। कौन सा बच्चा इसका, खड़ा हुआ बैठा? ये जो भैंस घुमा के दिखाई लास्ट में, इसका बच्चा है। और ये जो दूसरे गोल सिंह वाली दिखाई, ये इसका बच्चा है। इसमें कितना दूध है? इसमें 14 लीटर दूध तैयार है। 14 लीटर। और थनों की कैसी है दवाई की? दवाई बिल्कुल एक नंबर है। और जैसे कोई बदला करना चाहे अपनी भैंसों का, बदला कर लेते बाकड़ी भैंसों का, बाकड़ी में किस तरह की लोग, खाली गैप बने या बिना गैप बने? किसी भी तरह के बदले में उसकी कीमत का कैसे करोगे फिर? उसकी कीमत पलटे में ले लेंगे, उसकी कीमत जो भी कीमत होगी उस पर ग्राहक की और तुम्हारी संतुष्टि होने के बाद उसे लगा दी जाएगी। देखिएगा इन भाई के डेयरी पे ये बहुत बढ़िया फायदा है सभी भाइयों को, कि अगर किसी के पास बाकड़ी भैंस हो और ये भाई बदला भी कर लेते हैं, इनके पास फार्म पे हमेशा 10-12 भैंसे हमेशा मिलती है। और देखिएगा मैंने अभी पहले शुरुआत में डेयरी दिखाया था, कितनी सारी भैंसे हैं, ये ताजी भैंसे टॉप क्लास की हैं। और अभी गाय दिखाते हैं, जैसे गाय दिखाई थी बात करते हैं, ये गाय ब्याई हुई है कैसी है? देखिएगा बिल्कुल श्यामा गाय, जर्सी नस्ल की गाय, बहुत शांत स्वभाव की है। तो सर भाई दिखा रहा है, एक दो गाय बिक्री के लिए हमेशा इनके डेयरी पे होती है, गाय ज्यादा नहीं होती, एक दो गाय जरूर होती है। बहुत जोशीला डरा, बहुत बढ़िया, माथे पे टिक्का है गाय के। अभी तो सर भाई से इसकी और ज्यादा जानकारी लेते हैं। देखिएगा ठंड
इनके डेयरी फार्म पे गाय पैसा वैसा मिलती है, कोई भी भाई ऑनलाइन मंगाना चाहे वो भी आ जाएगी, अपना दो टाइम वीडियो कॉल पे दोस्त से देख सकते हैं। लेकिन कोई ज़्यादा परेशान वाला कह रहे हैं भाई, हमें सोनू भाई ने कहा कि ज़्यादा परेशान करने वाले कॉल ना करें, और कोई भी भाई वीडियो कॉल की जगह यहाँ आके संतुष्टि से कर सकते हैं अपनी। ये कितने दिन ब्याने के लिए जाएगी तो सर गाय? 5 दिन ले जाएगी। 5 दिन, 5 से ऊपर भी ले सकते, 5 दिन टाइम पूरा होने में लगेगा। भाई ने जो बताया 5 दिन, अभी इसका 9 महीने पूरे होने में है, उसके बाद है जो भी 2-4 दिन ऊपर लेगी लेगी, और कितना जोशीला ऑर्डर है, और अभी तो ऑर्डर बढ़ाएगी। तो कौन सी बार भी आएगी गाय? दूसरे पहलवान तुम्हारे पास थी, खरीद के लाए थे किसानों के थी। कितना दूध निकल रहा पहलवान ने? 12 लीटर दूध गया इसने, 12 लीटर। और अब के कितना देने का उम्मीद है? 13-14 लीटर दे देगी। देखिएगा तो सर भाई कुछ कम बता रहे हैं, हमारी जांच में लग रहा है कम से कम 17-18 किलो दूध देगी, लेकिन जो भी ये बता रहे हैं, हमने मालिकों से डायरेक्ट बात कर दी। तो इसकी कीमत बताओगे हमें? इसकी कीमत 42,000 रूपए। 42,000? तो ये फिक्स है कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? 1-2 हजार। देखिएगा भाई शर्मा रहा है, और वैसे भी इस भाई के सौदे पे ना जाए, क्योंकि इनके पापा जो संजीव और सोनू है वो ही पक्का सौदा करेंगे। ये तो लड़का है उस टाइम ही मौजूद नहीं है, वहाँ इस समय मौजूद नहीं है। ये सामने और भैंसे खड़ी है, ये कैसी भैंस है? ये ताजी जाई है। इनके बच्चे ना? इनके बच्चे ये बच्चे। देखिएगा ये भैंसे भी जो शुरू में दिखाई दी, ये सभी ताजी भैंसे हैं। इन्हें खड़ी खड़ियों को दिखा देते हैं हम। ये कितने दिन की ब्याई पहले वाली? तीसरा दिन ऐसे ब्याई थी पहले वाली। तीसरा दिन है? और इसके कितना खींच निकाल लिया? इसमें 10 किलो खींच है। देखिएगा 10 किलो भाई खींच बता रहा है। और इसका बच्चा कहाँ है? इसका बच्चा अंदर बंद रहा बैठक में, इसका बच्चा भी, और दूसरी तरफ बंद रहा है। हम बच्चों को सबको देख रहे हैं। और ये वाली इसमें 12 लीटर दूध है, इसका बच्चा ये रहा। ये जो भाई बता रहा है 12 लीटर वाली, इसका बच्चा ये है, देखेगा बिल्कुल ताजा बच्चा है। और कौन सी बार भी आ रही है? ये तीसरे भी आ रही है, ये भी तीसरे भी आ रही है। जैसे हमने पहले भी कई बार बताया, हम ये वीडियो 11 बजे कवर कर रहे हैं, इसलिए जो कम दिख रहा है भाई, जो दूध बता रहे हैं वो पक्का निकलेगा, और एक बार आके अपनी तसल्ली कर सकते हैं। इसमें 14 लीटर दूध है। देखिएगा भैंस का जोशीला डर है, अच्छा डरे लगा हुआ। और ये कितने दिन की ब्याई हो रही है? 4 दिन की। 4 दिन की ब्याई भैंस है, 14 लीटर दूध बता रहा है भाई। तो इसकी कीमत भी बताएगा? इसकी कीमत नहीं, पापा जी बताएंगे। इसकी कीमत पापा बताएंगे। और ये कैसी है? ये इसका बच्चा ही रहा, 1 महीने की ब्याई हुई है, इसमें 11 लीटर दूध है। ये भैंस 1 महीने की ब्याई हुई है और 11 लीटर दूध है। 11 लीटर पक्का? इसमें बढ़िया वाला पक्का। भैंस का साइज बहुत अच्छा है, कोई भी भाई आके तो अपनी तसल्ली कर सकता है, इनके यहाँ आके विजिट करे और दूध निकाल के तसल्ली से ले जा सकता है। मंडी खुलते ही सभी मंडियों की वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। जो भी भाई चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और कमेंट में बताएं हमें वीडियो कैसी लगी।